पूर्वांचल के लोगों की मदद करते हुए सोनू सूद की खूब चर्चाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रह रहे घोसी के ब्रजेश आर्य भी सोनू सूद से कम नहीं है। ब्रजेश ने अपनी संस्था पहचान और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी मुंबई यूनाइटेड वे मुंबई के संयुक्त प्रयास से मिलकर 10 बसों से 310 प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजा है। ब्रजेश आर्य ने मुंबई में फंसे मऊ और आसपास और पूर्वांचल के लोगों को बसों के माध्यम से उन्हें अपने घर भेजने का काम किया। लॉकडाउन में मजदूरों के छीन चुके काम और पैसे के अभाव के भुखमरी के कगार पर ला दिया था। इसके बाद इन मजदूरों की उनके घर भोजन भेजने का काम किया है और उनको घर भेजने का भी काम किया। एक तरफ मुंबई में फिल्म अभिनेता सोनू जिनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, तो वहीं मऊ के घोसी के रहने वाले ब्रजेश आर्य भी सोनू सूद की तरफ मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जनपद पहुंचाने पर मोहन विश्वकर्मा ने स्वयंसेवी संस्था पहचान के डायरेक्टर ब्रजेश आर्य को दुआ देने से नहीं रोक पाए। उन्होंने ब्रजेश आर्य की सहायता की वजह से मऊ पहुंचने की खुशी जताई है। जनपद मऊ से धीरेन्द्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजेश आर्य है और हम लोग IGSS और पहचान और यूनाइटेड वे के साथ में ज्वाइंटली मिलके कोविड और लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूरों का जॉब और काम, बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी थी, तो हमारा मकसद था कि वो सारे लोग घर पे जाना चाहते थे, कई लोग चल के घर पे जाना चाहते थे, कई लोग टेम्पो में बैठ के जाना चाहते थे, ऑटो में बैठ के जाना चाहते थे, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि लोग टेम्पो, ऑटो या इन सारी चीज ऐसे जो है जिससे बहुत सारा खतरा है, ऐसे चीज़ों से ना जाके उनको बस के माध्यम से उनको घर पे भेजना, सुरक्षित घर पे भेजना। और हम लोगों ने उनका जो है पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराया और परीक्षण कराने के बाद में उनको घर पे भेजा। आज वापस से उत्तर प्रदेश में हमारी दो बसें गई थी, जो एक वाराणसी में गई थी और दूसरी बस जो है मऊ के लिए उतरी। इन दोनों बसों में 50 प्रवासी मजदूर थे, हर बस में 25 प्रवासी मजदूर थे और हमने सारे लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग और इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बस में 50 लोगों का सीट था लेकिन उसके बाद भी हमने सिर्फ 25 लोगों को ही बैठाया एक सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। साथ साथ में उनको खाने का भी हमने व्यवस्था कराया था अलग अलग जगहों पे, साथ में खाना भी दिया था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई थी और उनको जो है मास्क और सैनिटाइजर भी हमने मुहैया किया था ताकि ये सारे लोग सुरक्षित अपने घर पे जा सके। और कोविड के टाइम पे मदद करना हमारा एक मकसद था कि लोगों को मदद करना और मदद करके लोगों को एक सुरक्षित उनके घर तक जोड़ना, ये हमारी एक कोशिश थी जिसको लेकर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। मुंबई कालीना से आए हो, कितने लोग हो आप लोग? हम लोग हैं अभी 4-5 जन और होंगे। कितने लोग आए थे? 40-45 लोग थे। सब लोग मऊ के ही हो? हाँ। कहाँ रहने वाले आप? मैं यहाँ का हूँ, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का है? कोई पैसा वैसा ट्रेवल से मिल गया आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया। तो फ्री सुविधा आप लोग मिली है? हाँ। किसके द्वारा मिली है? ये अपना उद्योग भाई के द्वारा, उनका जो संसद है वो बहुत खुशी का, तो 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था उसके लिए रोजी रोटी कुछ नहीं था, हम लोग जो है चले। कुछ महिलाएं भी हैं साथ में? नहीं, खाली बस वही जो जो कपड़ा आता है। नहीं, कुछ महिलाएं भी साथ में आई हैं आप लोग के बस में? हाँ। वो कहाँ जाने वाले हैं? वो लोग भी देरी करेंगे, अभी जहाँ जाना रहेगा चलेंगे।